अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में जांच के लिए मुंबई पहुंची बिहार पुलिस के दल ने गुरुवार को राजपूत के वित्तीय लेनदेन और बैंक खातों के ब्यौरे में छानबीन की प्रक्रिया शुरू कर दी। अभिनेता के केस को लेकर गुरुवार को अभिनेत्री अंकिता लोखंडे से भी पूछताछ हुई। तकरीबन एक घंटे की पूछताछ के बाद बिहार पुलिस के दो सदस्य अंकिता लोखंडे के घर से निकले। वहीं सुशांत सिंह राजपूत मामले में पहली बार अंकिता लोखंडे ने सामने आकर अपनी बात रखी है। एक इंटरव्यू के दौरान अंकिता ने कहा है कि सुशांत कभी डिप्रेशन में नहीं थे। अंकिता ने कहा, मैं डंके की चोट पर कह सकती हूँ कि सुशांत डिप्रेशन में नहीं था। मैंने सुशांत जैसा इंसान नहीं देखा था। जब हम रिलेशनशिप में थे तब वह डायरी लिखता था, वह अपने फ्यूचर प्लान लिखता था। उसने लिखा था कि वह अगले 5 साल में एक मुकाम तक पहुँचेगा और आप यकीन कीजिए वह 5 साल में वहाँ था। अब सोचिए कि वह इंसान जो अपने फ्यूचर प्लान करता था वह कैसे डिप्रेशन में रह सकता है। मैं डंके की चोट पर कह सकती हूँ कि वह कभी डिप्रेस नहीं हो सकता था। वह हर छोटी चीज में खुशियां ढूंढ लेता था। वह फार्मिंग करना चाहता था, मुझे इस बारे में पता था। वह कहता था कि अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं अपनी शॉर्ट फिल्म बना लूंगा। मैं नहीं चाहती कि लोग उसे ऐसे याद करें कि वह डिप्रेस था, वह तो हीरो था। अंकिता ने आगे कहा, सुशांत छोटे शहर से आया था, उसने अपनी मेहनत से खुद को एक मुकाम तक पहुंचाया। उसने मुझे कई चीजें सिखाई, वह मुझे एक्टिंग सिखाता था। किसी को पता भी है कि सुशांत कौन और क्या था? सब उसके बारे में लिख रहे हैं कि वह डिप्रेस था। ये सब पढ़कर मुझे दुख हो रहा है। इन सब के बावजूद अगर सुशांत के लिए डिप्रेशन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो वह बहुत गलत है। वह डिप्रेस हो ही नहीं सकता। वह कुछ चीजों को लेकर अपसेट हो सकता है, लेकिन सुशांत एक ऐसा इंसान था जो कभी डिप्रेस नहीं हो सकता था। एंग्जाइटी होती थी उसे, जो हम सबको होती है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मुलाकात अंकिता लोखंडे से सीरियल पवित्र रिश्ता के सेट्स पर हुई थी। एकता कपूर के सीरियल में दोनों मानव और अर्चना के किरदार में नजर आए। सुशांत और अंकिता पर्दे पर तो प्रेमी थे, साथ ही उन्होंने असल जिंदगी में भी प्यार किया। दोनों का रिश्ता लगभग 6 साल तक चला। बॉलीवुड में करियर शुरू करने के बाद दोनों के रिश्ते में उलझने आई और दोनों अलग हो गए। इसके बाद सुशांत का नाम कृति सेनन और रिया चक्रवर्ती के साथ जोड़ा गया। ब्यूरो रिपोर्ट E24।